बिहार की सियासत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कल यानी शुक्रवार 26 जनवरी से फिर से वहां हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं। दावा है कि वो जल्द ही लालू यादव की आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इस बीच हर पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है। शनिवार 27 जनवरी को सुबह एक बयान आरजेडी खेमे से आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी किसी दलित चेहरे को सीएम पद के लिए आगे कर सकती है। इससे पहले आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बताया था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कल नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। नीतीश कुमार इतिहास में किस तरह से अपना नाम दर्ज करवाएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश के पाला बदलने की खबरों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें करीब 5 बार फोन किया, लेकिन नीतीश ने लालू का फोन नहीं उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जेडीयू पूरी तरह से यूनाइटेड है और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि उनके ही मन में चोर है। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सियासी हलचल पर कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ काम करने की आजादी नहीं थी, इसलिए वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। पिंटू के मुताबिक इस बार गठबंधन स्थायी होगा। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा, बिहार को लेकर एक बैठक हो रही है जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। खबर ये भी है कि इस बैठक में बिहार की हलचल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उधर नीतीश कुमार 28 जनवरी यानी रविवार को अपने नेताओं के साथ राय मशविरा करेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद संभवतः नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और रविवार शाम या सोमवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? नीतीश के इस रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।